वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग इंडियन क्लासिकल डांस दैट मीन्स भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और डिटेल से इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं। भारतीय संगीत नाटक एकेडमी, भारतीय संगीत नाटक एकेडमी ने भारत में एट डांस को क्लासिकल डांस के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट कथक, सेकेंड ओडिसी, थर्ड कुचिपुड़ी, फोर्थ भरतनाट्यम और फिफ्थ कथकली, सिक्स मोहिनीअट्टम, सेवंथ मणिपुरी और एट सत्रिया है। तो सत्रिया को फ्रेंड्स सबसे लास्ट मीन्स द सत्रिया जो है लेटेस्ट में क्लासिकल डांस के रूप में इंक्लूड किया गया है, आपको रिमेम्बर रखना है। अब चलते हैं हम लोग इसका रीजन वाइज देख लेते हैं। तो रीजन वाइज हम लोग नॉर्थ इंडिया में देख तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में आपको कथक डांस प्रचलित है, पॉपुलर है। कथक डांस का ओरिजिनेशन इसी एरिया से रिलेटेड है और इस डांस पर सबसे ज़्यादा मुगल टाइम पीरियड का इम्पैक्ट है। इसे अकबर से लेकर शाहजहां तक पैट्रोनेज दिए। साथ ही साथ इस कथक डांस को बैलेट ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है और डांस ऑफ लव भी कहा जाता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों इक्वली रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। यह एक वनली डांस है जिसका लिंक मुस्लिम कल्चर से है। इस डांस में डांसर का सबसे मेजर फोकस होता है फुट मूवमेंट पर। डांसर जो है अपने फुट को मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल बीट्स और साथ ही साथ हॉल बॉडी को भी मूव करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना ओडिसी डांस। ओडिसी डांस अपना उड़ीसा में पॉपुलर है और यहीं से इसका रिलेशन है। ऐसा माना जाता है कि ओडिसी डांस का जो है ओरिजिनेशन देवदासी सिस्टम से प्रेरित है। इस डांस में फीमेल का डोमिनेंस सबसे ज़्यादा होता है, हालांकि मेल भी पार्टिसिपेट करते हैं। पहले इस डांस में जो है गोटीपुआ डांस बहुत प्रचलित था। गोटीपुआ डांस जो होता है इसमें बॉयज मीन्स दैट मेल जो है फीमेल गेटअप में डांस करते हैं, तो ध्यान में रखना है इसको आपको। इस डांस में दो फॉर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बॉडी पोस्चर, एक त्रिभंगा और दूसरा आपको चौक। त्रिभंगा जो है आपको फेमिनिन रिप्रेजेंटेशन करता है, जबकि चौक आपको मैस्कुलिन रिप्रेजेंटेशन करता है। यह डांस सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है इंडिया का, ये आपको रिमेम्बर रखना। सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया जो है ओडिसी ही है। अब यह डांस जो है वाटर को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स दैट हमारे बॉडी जो फाइव एलिमेंट्स से बने हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ, इन सबों में ये जो है आपको वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको। साथ ही साथ इस में जो है डांसर स्केलेटल स्टाइल में जो है अपना बॉडी पोस्चर बना करके डांस करते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखना है आपको। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे चलते हैं, आगे है अपना कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में पॉपुलर है और यहीं से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। कुचिपुड़ी में जो है आपको कॉस्मिक डांस सबसे ज़्यादा प्रचलित है और साथ ही साथ कुचिपुड़ी का एक स्टाइल होता है तारा डांस। तारा डांस में जो होता है कांस्य मीन्स दैट ब्रास के प्लेट पर डांसर जो है डांस करते हैं। ब्रास के प्लेट का जो एज होता है किनारा, उस पर डांसर डांस करते हैं। ये बहुत ही कठिन डांस होता है तारा डांस, कुचिपुड़ी का ही एक सब स्टाइल है। और कुचिपुड़ी को सबसे टफेस्ट डांस भी माना जाता है क्योंकि यह एक नैरेटिव डांस है। इसमें डांसर को डांस, स्पीकिंग, सिंगिंग तीनों में जो होता है प्रो एफिशिएंट होना पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कुचिपुड़ी डांस का जो रिलेशन है अर्थ से है, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है हमारे बॉडी के मेटाफिजिकल एलिमेंट में, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें जो है हैंड, फेस, लेग, इन सब गेस्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग भरतनाट्यम पर। तो भरतनाट्यम जो है अपना तमिलनाडु वाले रीजन से संबंधित है। यह डांस जो है देवदासी सिस्टम से ऑरिजिनेट हुआ है। इसका क्लियर एविडेंस है कि यह देवदासी सिस्टम से ऑरिजिनेट हुआ है। इसमें मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करता है, जिसमें आपको फीमेल का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस होता है। यह डांस जो है सोलो और लास्य दोनों होता है, मीन्स दैट फेमिनिस्टिक मूड का डांस होता है। और यह डांस जो है आपको फायर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारे बॉडी में जो मेटाफिजिकल एलिमेंट है फायर, उसको रिप्रेजेंट करता है। नटराज
का जो स्टैचू है जिस पोस्चर में, वो भी एक जो है भारतनाट्यम का ही पोस्चर है, तो ध्यान में रखना है। इस डांस में एक हारे स्टाइल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक हारे स्टाइल में एक ही डांसर सारे डांस फॉर्म को प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी भारतनाट्यम में स्टेप होते हैं सारे स्टेप को वही परफॉर्म करते हैं, इसलिए उसे एक हारे स्टाइल भी कहा जाता है, एक हारे डांस भी कहा जाता है। बाला सरस्वती को क्वीन ऑफ भारतनाट्यम भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम लोग कथकली पर। तो कथकली जो है अपना और मोहिनीअट्टम दोनों केरल से संबंधित है। कथकली का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो केरल में हुआ है, और यह डांस जो है कथकली आपको जो है बॉडी के मेटाफिजिकल एलिमेंट स्काई मीन्स दैट आकाश को जो है रिप्रेजेंट करता है। कथकली में जो है आपको डांसर के फेस पर पेंट क्या होता है ग्रीन कलर से, और वाइट कलर का चूती लगाया जाता है आउटलाइन, वाइट कलर का आउटलाइन चूती लगाया जाता है, जो चावल के आटा और चूना मीन्स दैट राइस फ्लोर एंड लाइम दोनों का पेस्ट होता है, और आईब्रो को जो है बहुत ही थिक किया जाता है ब्लैक कलर से, और फेस जो है आपको ऐसा लगता है कि मानो ये जो है मास्क है। इस डांस में जो है डांसर का सबसे मेजर फोकस जो होता है फेशियल एक्सप्रेशन और आई एक्सप्रेशन पर होता है, आई मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा ही इसमें डांसर जो है जितने भी स्टोरी होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें डांसर जो है कुछ भी बोलते नहीं हैं, पूरे माइम होते हैं मीन्स दैट डांसर कोई भी साउंड नहीं निकालते हैं, और यह स्टोरी टेलिंग अंदाज में जो है यह डांस परफॉर्म किया जाता है आई और फेस के एक्सप्रेशन के द्वारा। यह मैस्कुलिन डांस होता है, यह पुरुषत्व को रिप्रेजेंट करता है। इस डांस में मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, हालांकि इसमें मेल का जो है डोमिनेंस सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान में रखना है आप। इस डांस के द्वारा रामायण, शिव का स्टोरी, राम का स्टोरी सब कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम जैसा कि आप जानते हैं भगवान विष्णु गॉड विष्णु का एक अवतार है मोहिनी, उसी से यह डांस प्रेरित है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी देवदासी सिस्टम से इम्पैक्टेड है। इसमें मोहिनीअट्टम में मात्र और मात्र फीमेल पार्टिसिपेट करती है, और यह जो है फेमिनिस्टिक डांस है और सेंसुअल डांस है, फेमिनिस्टिक और बहुत ही रासिक सेंसुअल डांस है ये। इस डांस में जो होता है डांसर का कॉस्ट्यूम से पहचाना जाता है। इस डांस में डांसर का कॉस्ट्यूम जो होता है साड़ी वाइट कलर के, साड़ी पर गोल्डन कलर का बॉर्डर होता है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और जो बाल बांधा होता है लेफ्ट साइड में, बाल जो है फ्लावर से बांधा होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यह डांस सोलो और लास्य होता है, अकेले परफॉर्म किया जाता है, और टोटली फेमिनिस्टिक मूड का होता है। यह डांस आपको बॉडी के मेटाफिजिकल एलिमेंट एयर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस डांस का भी ओरिजिन देवदासी सिस्टम से माना जाता है। अब चलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग चलते हैं सत्रिया। सत्रिया डांस आपको असम में प्रचलित है, यहीं पर इसका ओरिजिनेशन हुआ है, और यह जो है आपको 15th AD में इसका प्रचलन बढ़ा है। किसके द्वारा? तो शंकर देवा ने इनको पॉपुलराइज किया, वह एक वैष्णवाइट संत थे शंकर देवा, और सत्रिया डांस भी वैष्णविज्म से ही रिलेटेड है। इसमें मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको रिसेंटली जो है क्लासिकल डांस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सत्रिया डांस को रिसेंटली जो है आपको क्लासिकल डांस के रूप में रिकॉग्नाइज। तो अब फ्रेंड्स हम लोग मणिपुरी डांस को देखते हैं। मणिपुरी डांस जो है अपना मणिपुर रीजन में प्रचलित है। इस डांस में जो है डांसर घुंघरू नहीं पहनते हैं, मीन्स दैट एंकल बेल नहीं पहनते हैं, जबकि जितने भी डांस हैं सभी में एंकल बेल पहनते हैं। यदि आप पिक्चर को गौर से देखेंगे तो सारे डांस में डांसर जो है एंकल बेल पहने हुए हैं, जबकि इसमें मणिपुरी में एंकल बेल नहीं पहनते हैं। और इस डांस का 3 फॉर्म है, तांगथा, संकृतना जो है आपको वैष्णविज्म से रिलेटेड है, विष्णु भगवान के चैंटिंग से रिलेटेड है, जबकि तांगथा जो है एक मार्शल आर्ट है, और रास जो है आपको 3rd फॉर्म है, जो कि रासलीला कृष्ण और राधा के स्टोरी से रिलेटेड है। इसमें जो है कृष्ण जो है येलो कलर का धोती पहने होते हैं, और राधा जो है आपको राउंड राउंड करके
कमर में लुंगी की तरह जो है कपड़ा लपेटी होती हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।